कम समय में धन कुबेर बनने वालों पर एक बार फिर इनकम टैक्स विभाग की नजरें टेढ़ी हो गई है। आजमगढ़ शहर के पुराने कोतवाली क्षेत्र स्थित सराफा मंडी में आज दिन में आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने 3 ज्वेलर्स शोरूम पर छापेमारी की, जिसको लेकर कारोबारियों में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जुटने पर टीम ने सर्वे की बात कही। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। करीब 5 बजे तक जांच के बाद टीम ने कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि किसी भी इनकम टैक्स अधिकारी ने मीडिया से कार्रवाई को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं सराफा कारोबारी संघ के स्थानीय अध्यक्ष के अनुसार जब व्यापारी लोग पहुंचे तो टीम ने पुरानी कोतवाली स्थित रामेश्वर सराफ और मातबरगंज में संस्कार शोरूम पर सर्वे किए जाने की बात कहकर सभी को बाहर जाने को कहा और कार्रवाई को जारी रखकर कुछ घंटों में चले जाने का दावा किया। ये लोकल आजमगढ़ के सर्वे चल रहा है, अभी अधिकारी लोग आए हैं, बैठे हुए हैं, अभी कोई काम हो नहीं रहा है। कोई नहीं, मुझसे बातचीत हुई है, इन्होंने कहा ये साधारण सर्वे है, 1-2 घंटा लगेगा। मैं ये 2 दुकानों पे छापा मारे, ये रामेश्वर प्रसाद सराफ और ये मनीष अग्रवाल। सोने चांदी का काम है और कोई काम है आपका? सोने चांदी का काम है। सर्वे का क्या उद्देश्य है, सर्वे क्यों करना, क्या है ये बारे में भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किस चीज का? पहले भी सर्वे होता है? कभी हुआ नहीं इधर, इसके पहले कभी सर्वे नहीं हुआ। अभी कागज पत्र चेक करेंगे, यही अधिकारी बोले हैं। मैं कागज पत्र चेक करूंगा, 2 घंटा लगेगा, मैं चला जाऊंगा। छापेमारी की है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग। जी बड़ी दुकान देख करके इनका कोई कंप्लेंट रहा होगा, किसी ने कंप्लेंट किया होगा कोई? मनीष अग्रवाल और दूसरा किसका? ये बाबी अग्रवाल और आजमगढ़ भी किसी का। आपका जो सराफा संघ है इसमें सराफा संघ के सभी लोग गए थे, अधिकारियों से बातचीत किए हैं, कहे कि ये साधारण सर्वे है, मैं सर्वे 1-2 घंटा लगेगा, मैं कागज पत्र चेक करूंगा, उस पर चला जाऊंगा, आप लोग डिस्टर्ब ना करें। आजमगढ़ से सीआईबी इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, अंकित सिंह। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।